हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड डिस्टेंस जो टॉपिक किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए, अगर आप पहले वाला वीडियो देखिए उसके बाद ये पार्ट देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसके बाद आपको ये समझ आने लग जाएगा। क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 18 किलोमीटर, ये उसका घर हो गया, घर से ऑफिस जाता है 18 किलोमीटर की चाल से जाता है, घर से ऑफिस जाता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बोल रहा है कि वह 30 किलोमीटर चाल से वापिस आता है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापिस लौटता है, तो दोनों को कुल मिलाकर उसे 40 मिनट का समय लगता है। आपको बताना है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। दूरी पूछी गई है, डिस्टेंस, घर से ऑफिस की जो दूरी है डिस्टेंस, वो आपको पूछी गई है। आपको टाइम दिया गया है, दोनों को मिला के 40 मिनट लग रहे हैं। देखिए, दोनों को मिला के 40 मिनट लगते हैं। मैंने माना कि ये दूरी है वो एक्स किलोमीटर में मान लिया, एक्स किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा मैं, एक्स किलोमीटर माना मैंने पहले बार, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी घर से ऑफिस की, एक्स बटे 18 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका समय हो गया, प्लस ये दोबारा वापिस लौट रहा है ऑफिस से घर, ये भी दूरी एक्स हो गई, कितनी स्पीड से आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापिस लौटता है। इसके बाद बात करते हैं ये दोनों को मिलाकर कितना समय लगते हैं, कुल मिलाकर 40 मिनट का समय लेता है। मिनट को अगर आवर में चेंज करते हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू आप देखिए, ये x है, अगर इसमें मैं पहले इसको 40/60 को लिख सकता हूँ, 2/3 भी लिख सकता हूँ, 20 से काट दिया जाए तो। अब देखिए, ये 3 है, यहाँ पर मैं ले रहता हूँ x/6 + x/10 = आ गया 2/1 आ गया। इसके बाद बात करते हैं इस x की वैल्यू निकालनी है अपन को। इसको देखिए, एलसीएम लिया, 6 और 10 का एलसीएम 30 आ गया, और इस 6 से 30 को अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आया 5, ये वैल्यू हो गई आपके पास 5x। इसके बाद बात करते हैं, ये 10 है, 10 को 30 से काट दिया जाए तो आपके पास आ गए 3x आ गई वैल्यू, = 2 आ गया। यहाँ पर दोनों को मिलाया तो 5 और 3 मिलके 8x हो गए, इसको काटा गया ये आ गए 30, यहाँ पर 2, 8x = 2 × 30, दोनों को मिलाया जाए 60/8, ये हो गए 7.5 किलोमीटर आ गए। ये जो वैल्यू निकली है ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास 7.5 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं इसके, अगर शॉर्ट ट्रिक आपको अगर निकालनी हो, मेथड 2, ये आपका ट्रिक है, इस अगर ट्रिक से निकालना चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, आप ट्रिक से भी फाइंड कर सकते हो, और अगर विदाउट इसको ट्रिक करना चाहते हो तो आपका ये मेथड है, ये बेसिक है, सबसे बेस्ट मेथड है। सॉरी। देखिए दोस्तों, ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक के अंदर सबसे पहले आपको निकालनी है डिस्टेंस, दूरी। दूरी का मतलब है दोनों चाल का, तो आप क्या करोगे, गुणनफल, चाल का गुणनफल इंटू समय, चाल का गुणनफल, ये हो गया आपके पास चाल का गुणनफल इंटू समय, बटे के अंदर चाल का योग कर दोगे, चाल का योग। ये ट्रिक आपकी जब ही काम करेगी जब दोनों की दूरी ये समान दी हुई हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ट्रिक, चाल का गुणनफल, पहले वाली चाल कितनी है 18, दूसरे वाली चाल कितनी है वापिस लौटते टाइम 30, समय कितना है
40, आप 40 को लिख सकते हो, ये आपके पास 40 है, इस समय हो गया 40/60। बात करते हैं देखिए, चाल का योग 18 और 30 मिलके कितने हुए 48, ये आपने लिखा। अब इनको काट दीजिए, ये काटा आपने 2 और ये काटा 3, इसके बाद इसको काटा 6 से 3 और इसको काटा 8, अब इसको काटा ये आ गए 4, अब दोबारा इसको काट दो 15 और ये काटोगे 2 आ गए, आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये आ गए 15/2, इसका मतलब हो गया 7.5 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब बात करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेसिक 5 पे, एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय कर लेता है, तो उसे 18 किलोमीटर की चाल से कितनी दूरी तय करी। 200 किलोमीटर की आपको दूरी है, मैंने माना पहले वाली जो दूरी है x किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर आवर से तय करी, दूसरे वाली जो दूरी है 30 किलोमीटर पर आवर की जो दूरी है, 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी उसने 200 माइनस, क्योंकि x किलोमीटर दूरी तय कर ली तो उसने 200 माइनस x किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से तय की, ये चीज मैंने मान ली, और ये जो दोनों दूरी है उसे आप चाल से 8 घंटे में तय करता, उसने 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी तय करी। देखिए आपको पता है दूरी का मतलब होता है चाल गुणा समय, और चाल को आप लिख सकते हो दूरी बटे समय, ठीक है, यह आपको पता है। अब देखिए ये कितनी दूरी है, x किलोमीटर की दूरी 18, अब मुझे इसमें 18 किलोमीटर की चाल में कितनी दूरी तय करी, मेरे को अगर इसका समय पता है 8 किलोमीटर पर आवर, अगर टाइम मेरे को पता है 8 किलोमीटर पर यानी सॉरी 8 घंटे में तय करी, पहले वाली दूरी x दूरी उसने 18 किलोमीटर पर आवर से तय करी, 200 माइनस x दूसरी वाली दूरी उसने 30 किलोमीटर पर आवर से तय करी, टोटल समय लगा उसको 8 घंटे। अब देखिए इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सबसे पहले एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गए 90, 18 × 5 = 90, ये 5x हो गए, और 30 × 3 = 90, 3 ये हो गए 600 माइनस 3x = 8। अब देखिए 5 और माइनस के 3 दोनों मिलके हो गए 8x + 600 = 8×90, 90 उधर पक्षांतरण हो गया तो ये आपके पास 2x 9×72 720 और 600 उधर जाने पर माइनस हो गए, अब 2x = 120 आपके पास आ गया 120 और x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। ये आपको पूछा गया है कि 18 किलोमीटर की चाल से कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, होम से ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है, वह साइकिल से वापस लौटता है,
पैदल प्लस साइकिल दोनों को यूज करता है आने जाने के लिए, तो उसको समय लगता है कुल मिलाकर 1 घंटा 12 मिनट का इक्वल टू लिख सकता हूँ 72 मिनट। अब बोल रहा है दोनों साइड पैदल तय करता है तब 2 घंटे का समय लगता है दोनों साइड, मतलब ये पहले आने की दूरी और जाने की दूरी भी दोनों साइड पैदल तय करता है। पैदल प्लस पैदल को लिख दूं मैं यहाँ पर इक्वल टू 120 मिनट, ये 2 घंटे लिख दूं यहाँ, इसका मतलब होता है 120 मिनट। अब देखिए आपको पूछा है कि दोनों साइड साइकिल से दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर पैदल अगर दोनों साइड दूरी तय करता है तो 120 मिनट लगते हैं। वन साइड पैदल दूरी तय करने में उसको 60 मिनट लगेंगे, एक साइड की दूरी तय करने में। दोनों साइड पैदल में 120 मिनट, एक साइड पैदल में 60 मिनट। अगर इस पैदल में से इस इक्वेशन को मैंने माना 1, इसको माना 2, अगर ये तीसरी इक्वेशन है इसमें से 1 माइनस 3 कर दिया जाए तो आपके पास बचेगी दूरी साइकिल की इक्वल टू 72 माइनस 60 इक्वल टू आ गया आपके पास 12 मिनट, ये आपके पास निकल गए 12 मिनट। अब साइकिल की एक साइड की दूरी है, दूरी में इसको 12 मिनट समय लगता है, दोनों साइड साइकिल से 12 गुणा 2 इक्वल टू 24 मिनट का समय लगेगा। 24 मिनट में ये दोनों साइड की साइकिल से दूरी तय कर लेगा, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। इस प्रकार आज आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।